जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपके गांव से बेशक उस पाक जात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र लगा जनाब अली डॉक्टर साहब। सही MBBS है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। करंटली फैसलाबाद के अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनके घर में इनके साथ जिन्नात रहते हैं। इनके साथ? Yes. क्योंकि डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वहम धोखा इत्तफाक इन सब को क्रॉस करने के बाद CCTV कैमरास प्लेस करने के बाद हमसे कह रहे हैं कि आए आपको कुछ दिखाते हैं। अच्छा इन्होंने कुछ रिकॉर्ड किया है? यस। असल में वो क्या है, वो ये है सही कि भाई कहां नहीं है ये मखलूकात, क्या करें। सही कोशिश डॉक्टर है, पहले वहम धोखा इत्तफाक बड़े ही कहते छोड़ो छोड़ो तुम्हारा वहम है ये वो। इन्होंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, एक बार दो बार तीन बार कई बार। अच्छा इतना फ्रीक्वेंटली इनके साथ चलता रहा। अब जब इन्होंने कैमरे लगा दिए अच्छा तो मुझे कह रहे हैं कि सर आए तो सही जरा। सही ये जी माशाल्लाह डॉक्टर अली साहब है। सही ये इनका घर है फैसलाबाद में। बेहतर यह अंदर की इन्होंने अपने लॉन, ये इनका बेडरूम जहाँ ये चेंजिंग रूम बनाया हुआ है इसको। अच्छा घर बहुत बड़ा माशाल्लाह। माशाल्लाह तो बताते हैं कि यार घर में कोई था नहीं तो मैंने चेंजिंग रूम बनाया हुआ है इसको। मैं जाता यहाँ पर फ्रेश फ्रेश होता चेंज करता, मैं अंदर गया हूँ वॉशरूम में, बाहर आया हूँ तो मेरे पूरे बेड के चारों तरफ लाल रंग की चूड़ियां गिरी। लाल रंग की चूड़ियां? यस। फिजिकली कैसे सर? कोई घर में नहीं है, घर में कोई नहीं है, यहाँ 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 इनको मिली। ताजुबे बहुत हैरत अंगेज बात। मुझे कारसाज याद आ गया, हम कारसाज पे वो जो दुल्हन की स्टोरी कवर करने गए थे वो कहाँ से आती है कहाँ जाती है, जब हम तहखानों में गए तो हमें वहाँ चूड़ियाँ मिली थी टूटी हुई। पूरा अंडरग्राउंड तहखाने जो आप इन्हें तहकी करते करते नीचे पहुंचे थे मिली थी वहाँ। जी 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 इनको यहाँ मिली। अच्छा जी ये इनके टीवी लाउंज कह लें डाइनिंग कह लें, यहाँ है झूला। सही ये वो जो चनोटी जो झूला बहुत वजनी पुरानी है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि ये झूला जो है ये हिलता है और देखने वाला कौन, इनका अपना छोटा भांजा वो यहाँ खड़ा हुआ ऊपर, ये झूला जा रहा है नीचे। सही मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं ये इनका ऊपर टेरिस नुमा कह रहे हैं घर के अंदर। सही, घर के अंदर ये झूला है जी नीचे, यहाँ इनका भांजा खड़ा हुआ देख रहा है और वो झूला जो है ना वो हिल रहा है खुद ब खुद, खुद ब खुद। जो इनकी बहन आई हुई थी वो तो उल्टे पांव चली गई वापस अपने बच्चे को देख के, और उन्होंने भी कई बार यहाँ पर महसूस किया इस मखलूक को। यार माशाल्लाह डॉक्टर पूरी फैमिली पढ़ी लिखी, कोई इंजीनियर है कोई प्रिंसिपल है, इनकी वालदा प्रिंसिपल है माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो कहती है हमारे साथ, हम रहते हैं उनके साथ, वो है इधर, उनका नाम वो कब से है, उनकी उम्र सब कुछ, मतलब मैं आपको अर्ज करूँ ना कि सोच से बढ़ के ये मोहब्बत कह लें, आप लोगों की दुआएं कह लें, करम कह लें कि लोग हमें घरों पर बुला के अपने तजुर्बात हमसे शेयर कर रहे हैं प्रूफ्स के साथ। आपको DHA में याद होगा खातून, आपको बाथ हाईलैंड में याद होगा। जी 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 जी। इसी तरह फैसलाबाद में एक ने अभी तो लाइन शुरू हुई है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह देखें क्या क्या आता है सामने। वो जो बच्चे ने झूले को देखा तो झूला तो बहुत हैवी होता है, कुछ उसको दिखा नहीं मतलब कुछ भी, ये बहुत हैवी होता है क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है यार। छोटे बच्चों कहते हैं देख लेते हैं ना इस मखलूक को, अब वो देख रहा है, इनको लग रहा है कि झूले को देख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो झूले को झूल रहा है उसको देख रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। बच्चा भी शायद 2-3 साल का बच्चा। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बच्चों के बारे में तो कहते हैं वो तो फरिश्ते भी देख लेते हैं माशाल्लाह। सर CCTV कैमरास इन्होंने पूरे घर में लगा दिए उसके उस वाकये के बाद से, कई वाकयात के बाद से इन्होंने पूरे घर में लगा दिए कि नहीं यार ये ऐसे नहीं है। सही। मुझे धोखा वहम एक बार दो बार तीन बार ऐसा नहीं हो सकता, कई बार। तो इन्होंने जी ये किचन में लगाया हुआ है, ये अपना ऊपर जो इनका टेरेस है वहां लगाया हुआ है, कई जगहों पर इन्होंने CCTV कैमरा प्लेस कर दिया है। सही। हमें शायद वो देखने को मिले इस बार जो आज से पहले कभी नहीं मिला देखने को, और खुशी इस बात की है कि कहते हैं कि आपका शो देखकर जी हमने कोशिशें शुरू की है। आपका शो देखकर हमने बहुत सी एहतियातें की हैं, बहुत से ऐसे पंगे नहीं लिए, इस तरह की हरकत नहीं की। सही। और हम सुकून में हैं, हम बाकायदा नेगोशिएशन में आ गए हैं, बातचीत में आ गए हैं,
मतलब क्या क्या बताऊं आपको मैं। मुझे तो यार बड़ा मजा आ रहा है सुन के। एक तो नीट एंड क्लीन घर है, पढ़ी लिखी फैमिली है और वेल अवेयर लोग हैं, वेल अंडरस्टैंडिंग है, और फिर जिस तरह से ये पोर्ट्रेट दिख रहा है मुझे, बेहतरीन रहेगा यार ये तो। ये सर बस वो कहते हैं ना कि सब इंतजाम बंदोबस्त जी। मैं आपको दिखाऊं प्रिंसिपल साहिबा। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अली साहब की वालदा है, डॉक्टर अली साहब की वालदा है, एंड शी आल्सो नो एवरीथिंग। यस यस, इनको पता है, बाकायदा इन्होंने पता करवाया, पूछा, हिस्ट्री निकलवाई, एक एक चीज। अच्छा। जो हम नहीं करते। सही सही। हम क्या करते हैं, तहकीक करते हैं ये जानने की कोशिश, कहाँ से, कब से, क्यों है, क्यों परेशान कर रहे हैं। और अली भाई जो हैं अब बता रहे हैं कि जी वो हैं और हैं, बिल्कुल हैं साथ। आज ऐसे ही आती है जी, आपको इंशाल्लाह फुटेज दिखाएंगे। बस मुबारक हो हम सबको कि बात यहाँ तक पहुँच गई है। पाकिस्तान में ही हमारे पंजाब के फैसलाबाद शहर में डॉक्टर साहब ने बाकायदा इनकी प्रेजेंस, इनकी मौजूदगी को रिकॉर्ड किया। मुबारक हो जी आपको, हमें, हम सबको कि बात यहाँ तक पहुँच गई है कि हमारे पाकिस्तान में ही, पंजाब में ही, फैसलाबाद के घर में डॉक्टर साहब, उनके पूरी फैमिली ने बाकायदा इस मखलूक को रिकॉर्ड कर लिया, इसकी हरकत को, इसकी मूवमेंट को बाकायदा रिकॉर्ड कर लिया। और हमें बुलाया गया, बुलाया जा रहा है, तो एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहे हैं कि आपकी इन्होंने गुफ्तगू की है लोगों से, मालूम मतलब उन्होंने खुद बहुत वो की है, क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन खुद से भी की है। वो तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि इन्होंने खुद क्या क्या चीज़ें हासिल की। आप महसूस, आप नोट करें ना, अभी ये जो छुपा कैबरा के इतने वाकयात आ रहे हैं सामने, मजीद आ रहे हैं, मजीद अल्लाह माफ़ करे, मजीद आ रहे हैं, इंडिया से भी आ रहे हैं, कई जगहों से आ रहे हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यार एटलीस्ट आप एक सीसीटीवी कैमरा प्लेस करें, हमें पता तो चले ना, सही, हम मजीद तो जान सके ना। 2,500-5,000 रुपए में मेरे ख्याल से एक सीसीटीवी कैमरा लग जाता है, जहाँ इतने जानवर हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एक कैमरा। इन्होंने तो पूरे घर में ही लगाए हुए। तो इन्होंने वो बात पिक कर ली जो हमने लोगों को बताई थी, बताएं। मैं अर्ज करूँ ना, साफ इन्होंने एक्सेप्ट किया, कहा कि जी हम बकअप से देख रहे हैं, बट बड़ा कुछ देखा, सीखा, समझा, और बाकायदा बुला रहे हैं। अच्छा। और बड़े उससे बुला रहे हैं कि सर आप आए तो सही, जरा सही कह रहे हैं कि तुम आते जाओ जरा। तो इंशाल्लाह जी एज सून एज पॉसिबल पहुंचते हैं, वो वीडियोस खुद भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। इंशाल्लाह जी समझने को बहुत कुछ मिलेगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, मजा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।